स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की, आप त्रिभुजों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसके मेथड्स होते हैं कि आप देखें और आपको पता चल जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स यानी आकृतियों की गणना का एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसमें आता है ये, रीजनिंग का टॉपिक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज मैंने टोटल 10 टाइप यहाँ पर आपके लिए हैं, इसी से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल से, मतलब आप नंबर ऑफ ट्रायंगल से जो भी क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है, इसमें बताइए त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इन्हीं टाइपों से आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। सब इन्हीं को मिक्स करके एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, पहला जो टाइप है उसमें क्या है, आपका जो आपका फर्स्ट टाइप है उसमें क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज में जो लाइनें हैं ना, आपकी लाइनें कैसी हैं, वर्टिकल है, खड़ी हुई लाइनें हैं आपकी, है ना, खड़ी हुई लाइनें हैं। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताने हैं कितने होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लाइन्स है, इसमें आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर आपको नंबर लिख देना है। जैसे 1, 2, 3, 4 मैंने लिख दिए, अगर यहाँ 3 होता तो 3 लिखते, 4 है तो 4, 5 है तो जितने भी यहाँ पर आपके पार्ट बने हुए हैं वो लिखते। आपको क्या करना है, इन सभी को एड कर देना है। जब आप इसको एड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके कितने हो गए, 10 हो गए, यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 4 लाइनें हो, 5 इसके भी यहाँ पर पार्टीशन हो, कितने भी हो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। जो सेकंड टाइप है, अब देखिए सेकंड टाइप में आपका क्या है, लाइनें कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, पड़ी हुई, लेटी हुई लाइनें हैं, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आपकी लेटी हुई लाइनें हैं। अब आप इसमें कैसे बताएंगे इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर अब आपको ऐसे नंबरिंग करनी है, आपने नंबरिंग कर दी, लेकिन अब आपको इसमें जोड़ना नहीं है। इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है आपका, 3। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं आपके, 3 है, और यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। नीचे बढ़ाते जाइए, वही क्या होगा, उसका आंसर। कितना इजी है ना, एकदम से आपको पता चल गया। अब ये वाली फिगर, ये वाली जो फिगर है ना, इन दोनों का मिक्सचर है। मैंने अलग से इसलिए लिया क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार। अब आपको कैसे करना है, अब एक चीज यहाँ पर देखिए, फोकस करिए, यहाँ पर देखिए खड़ी हुई लाइनें भी हैं और लेटी हुई लाइनें भी हैं आपकी, लेटी हुई लाइनें है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे ये वाली लाइन ली पहले हमने, इसमें देखिए कितने पार्ट हो रहे हैं, ये पार्ट हो रहे हैं, तो इसमें अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6। अब इस वाली लाइन को ले लीजिए, इसमें कितने पार्ट है, 2 हो रहे हैं ना, यहाँ तक ही है ना, तो इसमें कितने होंगे, 3। अब इस वाली लाइन को लीजिए, इसमें कितने हैं, 1, 2, इसमें भी 3 होंगे, तो टोटल आपके कितने ट्राइंगल यहाँ पर बन रहे हैं, 12 ट्राइंगल आपके बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो लेटी हुई लाइनें हैं उसको लेना है और उससे ही आपको नंबरिंग कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ टाइप आपका और फिफ्थ टाइप, देखिये दो टाइप के आपके स्टार, आप जिसको जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्राइंगल से बना हुआ होता है, एक और एक होता है जिसको आप ऐसे बना देते हो बिना पेन उठाए। जो देखिए दो ट्राइंगल से बना हुआ होगा उसमें फिक्स होगा इन दोनों में कितने आपके ट्राइंगल होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, फिर भी आपको बता देती हूँ, पता होना चाहिए, ये क्या है आपके 6 ट्राइंगल यहाँ पर, ये बाहर की तरफ से बन रहा है और एक ये बड़े वाला बन रहा है और एक ये यहाँ पर, ये तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए आपके यहाँ पर, 8 हो गए। अगर सिंपल ऐसे फिगर दे दे तो बिना कुछ सोचे आपको 8 यहाँ पर आंसर टिक कर देना है। जैसे अब ये वाली की बात करूं, अब इसमें कितने आपके ट्राइंगल बन रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम इस वाले पॉइंट से देखें तो देखिए यहाँ पर ना ये वाला एक ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर ऐसे एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर हम इस पॉइंट से देखें तो एक ट्राइंगल आपका ये बन रहा है, ये वाला सेम, इस पॉइंट से ये वाला आपका ट्राइंगल एक बन रहा है। ऐसे ही पांचों पॉइंट से आपके कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 5 ट्राइंगल बन रहे हैं और इसका यही आंसर है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा ट्राइंगल आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है। 5 टाइप हम देख चुके हैं, कितना इजी था इन क्वेश्चंस को करना। अब देखिए सिक्स्थ टाइप आपका क्या है, सिक्स्थ टाइप आपका है ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, और ये जो अंदर वाला ट्राइंगल है ना, ये बाहर वाले ट्राइंगल की भुजाओं को टच करता है। अब देखिए यहाँ पर पहले बाहर वाला एक ट्राइंगल था, उसके अंदर जब हमने ट्राइंगल बनाया तो भुजाओं को टच कर रहा है वो, फिर उसके अंदर बनाया तो उससे बाहर वाले ट्राइंगल की भुजाओं को ये टच कर रहा है। अब देखिए कैसे हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे, सबसे बड़े वाला ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा ट्राइंगल बना, ये वाला,
तो चार लिख दीजिए, उसके अंदर एक और ये बना तो चार लिख दीजिए, और ये बाहर वाला एक, इसको हम एक गिनते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? नौ यहाँ पर आपका आंसर होगा। जैसे अगर इसके अंदर भी एक और हो जाता आपका, अब इसके अंदर भी एक और है तो देखिए चार 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 है ना, फिर एक और यहाँ पर ये बाहर वाला, तो कितना हो जाता आपका? तेरह यहाँ पर आंसर हो जाता। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक टाइप आपका ये होता है, सिमेट्रिक फिगर है आपकी ये, है ना, सिमेट्रिक फिगर है। अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट इनको काउंट करना है। ये सेवेंथ टाइप है ना, इनको यहाँ पर आपको काउंट करना है। देखिए सभी में ये क्या है, तीनों में हर तरफ से तीन तीन है, तो आपको वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री तक यहाँ पर आपको काउंटिंग लिख देनी है, जितने भी है वहां तक आपको काउंटिंग लिख देनी है। अब देखिए ये एक को तो आपको एज इट इज लिखना है ऊपर वाले को, फिर क्या करना है, ये जो आपने लिखा इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, तो क्या आएगा आपका तीन। फिर अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो अब आपका कितना आएगा छह। अब इन सभी का टोटल करिए क्या आएगा, दस आ गया दस। अब सबसे नीचे वाले को छोड़ते हुए, मतलब ऑल्टरनेट पर आपको लेना है, सबसे नीचे वाला छोड़ना है, ये लेना है, फिर ये छोड़ना है, फिर इससे ऊपर वाला लेना है, ऐसे। तो हमने क्या किया, इसमें तीन जोड़ दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, तेरह यहाँ पर आंसर आ गया। अगर सिमेट्रिक फिगर हम और इसमें बनाते, अगर ये आपकी चार, अभी तो ये आपकी तीन तक बन रही है, अगर ये आपकी चार तक बनती तो देखिए एक को ऐसे लेना, एक में दो जोड़ेंगे तीन, तीन में तीन जोड़ेंगे छह, छह में चार जोड़ेंगे दस। अब जब हम इन सबको जोड़ते तो आपका बीस आता। नीचे वाले को छोड़ना है, इसको लेना है, नीचे वाले, फिर से ऊपर वाले को छोड़ना है, फिर इसको लेना है, तो छह और एक सात, तो टोटल आपके कितने बन जाते हैं, सात, सत्ताईस यहाँ पर आपके ट्राइंगल बन जाते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, देखिए इसमें क्या है, इसमें आपकी दो शीर्ष से लाइनें निकल रही है, एक तो ये और एक ये, कोई से भी दो शीर्ष हो सकते हैं, उनसे आपकी लाइनें निकल रही है, और ये लाइनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इधर से दो निकल रहे हैं तो इधर से भी दो, इधर से तीन निकल रहे हैं तो इधर से भी तीन। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, यहाँ से एक एक लाइनें निकल रही है, तो अब देखिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर काउंट करिए क्या है, कितने यहाँ पर खंड हो रहे हैं, कितने पार्ट हो रहे हैं, एक दो तीन, कितने हो रहे हैं तीन, तो तीन का क्यूब क्या होता है, सत्ताईस, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा तीन का क्यूब। जैसे यहाँ पर दो है तो इसका आंसर क्या होगा, दो का क्यूब क्या होगा, आठ, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो आपकी फिगर आती है नाइन नंबर की, जो फिगर ये क्या है, ये रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें विकर्ण खींचे गए हैं, विकर्ण मतलब ये जो लाइनें है ना, देखिए एक और दो, दो से ज्यादा आपकी लाइनें होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा। आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। अब देखिए नंबरिंग में मैक्सिमम नंबर क्या है, फोर, फोर का डबल आप करेंगे तो क्या होगा, आठ, ठीक है, तो यही क्या होगा इसका आंसर, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने होंगे, आठ होंगे, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई मिले और ऐसी लाइन मिले, इसमें आप नहीं काउंट कर सकते, इस तरीके से दो या दो से ज्यादा लाइन्स आपकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अब ये हो गई, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह, मैक्सिमम नंबर क्या है, छह, छह का डबल कितना हो जाएगा आपका, बारह, और यही क्या होगा आंसर। जैसे यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक ही क्या है, यहाँ पर एक ही फिगर थी, लेकिन अब यहाँ पर दो फिगर को इनको कंबाइन करके आपको दिखाया गया है। अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताने हैं कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, पहले एक को लेना है और उसमें आपको नंबरिंग यहाँ पर कर देनी है, क्या ही, आठ, आठ का डबल कितना होता है आपका, सोलह। इसमें भी आपने नंबरिंग करी, जब आपने नंबरिंग करी तो क्या आया, आठ, आठ का डबल कितना होता है आपका, सोलह, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब ये अगर मुझे अलग से मतलब यही बताना होता तो इसी में बता देती मैं आपको कि कितने भी आप ले सकते हैं, नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो दो ये लाइंस आपस में मिल रही है दोनों बॉक्स की अलग अलग, एक और दो, कितने पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर आपके, दो पॉइंट यहाँ पर आपके बन रहे हैं, तो दो अलग से ट्राइंगल और आपके बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, चौतीस, यही आपका करेक्ट है। जैसे यहाँ पर अब एक और यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया, तो दो तो ये हो गई, और यहाँ पर भी आपकी लाइंस मिलेंगी जब आप ऐसे इसको बनाओगे, तो दो यहाँ पर भी आपके बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 34 ट्राइंगल आपके यहाँ पर बन रहे हैं।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको सभी को कि ऐसे टाइप से, देखिए टोटल हमने यहाँ पर कितने टाइप करे हैं, 10 टाइप, और इन्हीं से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 10 मिनट में 10 टाइप के आपने नंबर ऑफ काउंटिंग में ट्राइंगल सीख लिया। आप कैसे काउंट कर सकते हैं ट्राइंगल को, 10 मेथड मैंने 10 टाइप आपको यहाँ पर करा दिया, और उम्मीद है आपको समझ में आ भी गए होंगे। तो अब देखिए दो फिगर को मिला के जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे वो आपको काउंट करने होंगे, लेकिन इतना काम आपका आसान हो जाता है कि आप कैसे जल्दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।